नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे स्टाम्प पेपर के जरिए किसी संपत्ति को खरीदना। जी हाँ, अगर आपने कोई संपत्ति, चाहे मकान हो, बाड़ा हो, प्लॉट हो, सिर्फ स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके ही खरीदा है, यानी कि उसका पंजीयन नहीं कराया है, तो इस संबंध में मैं अपने इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। देखिए, मान लो यह आप मकान है, बाड़ा है, प्लॉट है, कुछ भी है, इसको खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, दस्तावेज। आपने रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं बनाया, आपने क्या किया, एक स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी कर ली और खरीद लिया है, यानी कि पंजीयन नहीं कराया। ऐसी परिस्थिति में आपके जो क्या कानूनी अधिकार है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, आपको क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, और इस लिखा पढ़ी के आधार पर आप अगर सामने वाला नहीं मान रहा है तो किस प्रकार से आप आपके नाम पर रजिस्ट्री कराएंगे, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति स्टाम्प पर खरीदारी करता क्यों है, आखिर कारण क्या है। जैसे मकान है, ठीक है, दुकान है, या प्लॉट है, या जमीन, ठीक है, इनको स्टाम्प पे क्यों खरीदता है? सबसे पहला कारण क्या होता है कि पैसों की भी समस्या होती है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि खरीदता क्यों है, तब तक आप उसका हल नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। पैसों की समस्या का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि ये 5 लाख का है, अब उस व्यक्ति के पास 3 लाख ही है या 2 लाख ही है, तो उसने बोल दिया 3 अभी दे रहा हूं, 2 बाद में रजिस्ट्री करूंगा उसमें दे दूंगा, ठीक है। पहला कारण तो हो गया पैसों की समस्या। दूसरा कारण क्या होगा, दूसरा कारण वो होता है कि दस्तावेज पूरे नहीं होते। दस्तावेज पूरे नहीं होने से क्या मतलब, कि जो प्लॉट, मकान, दुकान आप खरीद रहे हो उसके दस्तावेज विक्रेता के पास पूरे नहीं होते, और वो कहता है कि महीने भर, 2 महीने बना दूंगा, अभी आप एग्रीमेंट कर लो, और वो आपको बेच देता है। तीसरा कारण और क्या हो सकता है, बिना आखिर पंजीयन क्यों नहीं कराते इसका, ये भी होता है। कभी कभी आदमी पूरा पैसा देता है खर्चा बचाने के लिए, रिकॉर्ड में तहसील में रजिस्ट्री कराएंगे, पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री का पैसा लगेगा, रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा। और क्या कारण हो सकता है, चौथा कारण, कि जो व्यक्ति बेचने वाला है या कभी कभी खरीदने वाला भी, उसके पास समय नहीं होता कि भाई यार पंजीयन कराएंगे, 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लगेंगे, अधिकारी नहीं मिला, ऐसा कोई कारण हो तो क्या अभी लिखा पढ़ी करके पैसा देते थे, बाद में आप पंजीयन करा लेंगे। उसके अलावा और भी कोई कारण हो, और भी कई कारण हो सकते हैं जिस कारण के आधार पर व्यक्ति अपने नाम पंजीयन नहीं करा के और स्टाम्प पे लिखा पढ़ी कर लेता है। अब आप बोलोगे सर कौन सा स्टाम्प, भले वो स्टाम्प 10 रुपये का हो, भले 50 रुपये का हो, भले 100 रुपये का हो, ठीक है, भले 1000 रुपये का हो, भले 5000 का हो, ठीक है, किसी भी प्रकार के स्टाम्प पर आपने लिखा पढ़ी करवा ली है मगर पंजीयन नहीं कराया है। अब पंजीयन नहीं कराने से आपको नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, देखो सबसे पहला नुकसान ये होगा कि जिससे पंजीयन कराना है वो मना कर देगा कि साहब मैं पंजीयन नहीं करता, उसके मन में बेईमानी आ जाएगी और ज़्यादा पैसा लेने की सोचेगा, या किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने की सोचेगा, या खुद रखना चाहता है, मना कर देता है। दूसरा वो क्या कर सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देगा, सर दूसरे व्यक्ति कैसे बचेगा, कब्जा तो हमारे पास है। मिल जाते हैं कुछ लोग बदमाश टाइप, वो कह देते हैं भाई एक 5 लाख की संपत्ति है, वो कहता है मैं 2 लाख दे रहा हूँ, ये देखता है वह इधर से 3 आ गए, 2 इधर दे रहा है, 5 ले लो अपने, तो या 5 उससे 4 ले ले, 3 ले ले, तो दूसरे व्यक्ति को भी बेच देता है। तीसरा व्यक्ति क्या हो, तीसरा कारण क्या होता है, मार्केट वैल्यू बढ़ जाने से, ठीक है। मार्केट वैल्यू बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ कि पहले जो जब आपने लिया 5 साल 2 साल पहले, उसमें उस 5 लाख की थी, आज 15 लाख की हो गई, तो भी उस व्यक्ति के मन में बेईमानी आ जाती है, वो मना करता। कभी कभी वो क्या व्यक्ति क्या करता है, दूसरे को बेचने से पहले वो क्या करता है, अपनी संपत्ति पर कोई लोन भी ले लेता है। वो देखता है कि लोन ले लेते हैं, चलो संपत्ति बिकेगी तो इसकी भी बिकेगी, मैं तो बेच दी, पैसा उसको लेना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा व्यक्ति वो करेगा तो उस पर तो मुकदमा होगा 400 बीसी का,
निश्चित रूप से होगा 420 आईपीसी का। बट जो लोफर होते हैं, जो ईमानदार नहीं होते हैं, जिनके मन में बेईमानी आ गई, उन वो तो मुकदमा लड़ता रहेंगे और हो सकता है उसको सजा भी हो जाए, पर आपको तो समस्या में फंसा देंगे ना। तो आपको नहीं फंसना है, यही तो इस वीडियो का मेरा सार है कि किस प्रकार से आपको सावधानी रखनी है। अब मैं बताता हूँ आपको सावधानियाँ क्या क्या रखनी, ठीक है। सावधानी रखने के लिए, सावधानी रखने के लिए कौन सा कलर लाया हूँ मैं, लाल कलर, ठीक है। सावधान लिखा होता है ना, अपन धानी कर देते हैं, ठीक है। सावधानी, पहली सावधानी क्या है, कोशिश करनी है आपको कि कोई भी संपत्ति लो तो उसका पंजीयन करा दो। सर पैसे पूरे नहीं है, पैसे नहीं हो रहे हैं तो आप इसके उधार रख रहे हो, जैसे मान लो 3 लाख में लिया, 2 लाख उधार करो, कोशिश करो कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार से निपटा कर पंजीयन करा दो। मेरी कानूनी राय ये है कि आप इसे रजिस्ट्री करा दो और एक स्टाम्प अलग से लिख दो कि तेरे 2 लाख बाकी मैं दे दूंगा, यूँ भी तो हो सकता है। यानी इस व्यक्ति को मनाना है किसी प्रकार, या किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे ला के दे दो, कुछ भी करके। पहला कोशिश तो ये रखनी कि पंजीयन, जो संपत्ति ले रहे हैं ना पर एक अमाउंट, बड़ा अमाउंट दे रहे हैं तो उसका पंजीयन कराना चाहिए। दूसरे अमाउंट को पंजीयन मान लो नहीं करा है तो आपको क्या करना है, प्रॉपर स्टाम्प। अब प्रॉपर स्टाम्प में ये क्या है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसमें क्या है, व्यक्ति क्या करता है, ज़्यादातर 100 रुपये भी लिखवा देता है, 500 रुपये भी लिखवा देता है कि 500 रुपये स्टाम्प हो गया, यह प्रॉपर नहीं है। अलग अलग काम के अलग अलग स्टाम्प लगते हैं, कि एग्रीमेंट के शपथ पत्र के कितने का लगेगा, एग्रीमेंट के कितने का लगेगा। अब एग्रीमेंट की क्या है कि मार्केट वैल्यू के अनुसार होता है, जो वेट आप जो संपत्ति देते हो उसकी मार्केट वैल्यू के अनुसार लगता है, और उस एग्रीमेंट का भी पंजीयन होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मार्केट वैल्यू अनुसार स्टाम्प भी नहीं लेते ना, पंजीयन करते, बस लिखा नोटरी कराया हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में फिर आगे जाकर कुछ समस्याएं आती है। तो अब मान लो आपके मन में आगे प्रश्न आएगा कि सर हमने तो ये काम कर लिया, आपका वीडियो तो बहुत लेट देखा, आपने वीडियो पहले बनाई नहीं, हमने देखा ही नहीं, हमने तो पैसे दे दिए, अब सामने वाला मना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उससे किस प्रकार से आप अपने नाम पे संपत्ति को कराओ। देखो सबसे पहला तो काम है उसको समझाना बुझाना, जो लिखा पड़ी होगी उसमें गवाह होंगे, किसी भी प्रकार से कोशिश करो कि अपने स्तर पे काम हो जाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको नहीं जाना पड़े। ये भी नहीं हो रहा बिल्कुल ही, तो भी आपके लिए एक खुशखबरी की बात यह है कि आपने उस व्यक्ति से स्टाम्प पे लिखवा रखा है, ठीक है, स्टाम्प पर जो लिखा पढ़ी कर रखी है उस लिखा पढ़ी के आधार पर आप पंजीयन करा सकते हो। यानी कि सर कैसे कराएंगे, आपका प्रश्न होगा कैसे कराएंगे, वो तो मना करेगा ही, उसको तो स्वार्थ आ गया। मगर उसके मना करने के बावजूद भी आप कोर्ट के जरिए इस लिखा पढ़ी के आधार पर इस संपत्ति को अपने नाम पर पंजीयन करा सकते हो, ठीक है। ये दावे कौन से दावे होते हैं, ये सिविल प्रकृति के दावे होते हैं। इनमें आपको जो स्टाम्प है वो कोर्ट में पेश करना पड़ता है, आपने उसमें पंजीयन नहीं कराया इसलिए आपको पंजीयन मुद्रांक में कुछ आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। मैंने बोला ना प्रॉपर स्टाम्प कराना, अगर प्रॉपर स्टाम्प कराया तो आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी, प्रॉपर स्टाम्प नहीं कराया तो कुछ पेनल्टी लग जाएगी और आपकी सिविल मुकदमा हो जाएगा, ठीक है। सिविल मुकदमे में क्या होगा, स्टाम्प को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, जो इसमें गवाह है वो भी पेश होंगे, कितने पैसे दिए, कितने बकाए रहे, जो बकाए पैसे हैं वो किस कारण से, किसकी गलती से रजिस्ट्री नहीं करवा पाए, ये पूरा इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो मैंने बना भी रखा है, आप मेरे चैनल पर जाके देखें कि स्टाम्प पर लिखा पढ़ी कर रखी है, अब रजिस्ट्री कराने से मना कर रहा है तो किस प्रकार से, वो खेत का बना रखा है, मकान का भी बना दूंगा और बाड़े का या प्लॉट का भी बना दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, ताकि आपके अगर इस प्रकार की समस्या आए तो वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध हो सके। तो मैं हूँ एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, थैंक यू।